हेलो दोस्तों, ये जो स्टडी किट है ये चिल्ड्रेन का है। ये स्टडी किट मैं ऑनलाइन बुक किया था, मुझे ऐड देखने को मिला था शायद फेसबुक में, तो वहाँ से मैं देखा कि ये किट काफ़ी अट्रैक्टिव है, बच्चों को सीखने के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। अल्फाबेट बच्चा इससे सीख सकता है, उसमें देखे थे, ठीक है। ये वाइल्ड ट्री नामक शॉपिंग स्टोर है, आप देख सकते हैं वाइल्ड ट्री, यहाँ पर क्या लिखा गया है दोस्त, वाइल्ड ट्री। ये वाइल्ड ट्री से मैं बुक किया हूँ और ऑनलाइन ही इसको इंटरनेट से बुक कर दिया। इसका ऐप वगैरह मैं कुछ डाउनलोड नहीं किया था और डायरेक्ट मेरा, जब मैं इसको ऑनलाइन बुक कर लिया तो मेरे ईमेल में कन्फर्मेशन आ गया कि ये बुक हो चुका है, इसका ऑर्डर डेट ये है, इनवॉइस नंबर ये है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये स्टडी किट है जो कि अंडर 5 चाइल्ड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये स्टडी किट को चलिए ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस स्टडी किट में आखिर जो ऐड दिखा रहा था उससे क्या डिफरेंस है या फिर क्या सेम प्रोडक्ट है। तो आइए इसको ओपन करके देखते हैं। ये बढ़िया से पैक करके भेजा गया है, क्योंकि बच्चों का ये बुक है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये देखिए ये किस तरह का है और क्या भेजा गया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली इसका जो बनावट है ना, उसमें एक्चुअली जो अल्फ़ाबेट का लिखने का जो है ना, उसमें एक ग्रैब दिया गया है, ठीक है, ट्रफ टाइप का। तो ट्रफ में ही जब बच्चे अपने हैंड को मूव करेंगे तो उनको अल्फ़ाबेट लिखने में काफ़ी आसानी होगा। ये एकदम इनिशियल स्टेज के लिए है, ठीक है। तो पेंसिल का यूज करके वो लिख सकते हैं, हालाँकि ये मुझे पेन भेज दिए हैं और कुछ रिफिल है इसमें, तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। पहले मैं इस रिफिल को और पेन को देखता हूँ। रिफिल है 10 पीस, ठीक है, ये 10 पीस रिफिल डाल दिए हैं। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, ये मुझे 500 का पड़ा है, कॉस्टली तो लग रहा है बट बुक देखता हूँ क्या है। और ये पेन है, आप देख लीजिए, यही है पेन, इसमें रिफिल को इंस्टॉल करके लगा करके लिखा जा सकता है। और ये है, ये बच्चों के लिए क्या दिया गया है, शार्क है शायद, फीस है, चलिए ये था, इसको साइड करते हैं। ये देखिए ये क्या दिया गया है, आप देखिए, सेंक मैजिक, सेंक मैजिक प्रैक्टिस कॉपी बुक एज 3+ फॉर प्री स्कूल्स मैथ। ये देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये जो है ना, ये ग्रैब दिया गया है थोड़ा सा, इसका बनावट के कारण ही इसका कॉस्ट इतना पड़ा है। ये देखिए काफ़ी इसका पेज का जो विड्थ है ये काफ़ी ज़्यादा है, ये बहुत ही बेटर देखने में, मतलब कि अच्छा लग रहा है, ठीक है, बच्चा इससे बड़ा आसानी से सीख सकता है, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें ग्रैब दिया गया है, सेंक, सेंक मैजिक कहता है क्या, सेंक मैजिक, उसमें क्या करना है, जब बच्चा इसमें ऐसे लिखेगा ना तो ये इस पर घुस कर जाएगा अंदर से और वो सही लिखाएगा, यही दिया गया है, आप देख लें ये पूरा बुक में यही है। अच्छा है, सम एंड डिफरेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, ये भी सेंक मैजिक है, प्रैक्टिस कॉपी
एच थ्री प्लस नंबर के लिए है। ये क्या था, ये मैथ था, ये नंबर है। नंबर देखते हैं कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। तो नंबर देखिए, जीरो पहले प्रैक्टिस करवाएगा, जीरो फिर आपको प्रैक्टिस करवाएगा, जीरो के बाद ये आपका नीचे वन है, टू थ्री ऐसे करके सारा दिया गया है। देखिए ये इसका बनावट है और बहुत ही अच्छा ये है, मेहनत लगा होगा इसको बनाने में, दिमाग लगा होगा तभी तो इतना कॉस्ट है और साइंटिफिक है, एकदम साइंस एंड टेक्नोलॉजी है कि इसमें यूज किया गया है कि बच्चे इससे बड़ी आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो ये था नंबर के लिए। अब ये देखिए, ये है आपका एच थ्री प्लस अल्फ़ाबेट के लिए, अल्फ़ाबेट के लिए दिया गया है ये ए, कैपिटल में ए, स्मॉल में ए दिया गया है नॉर्मल वाला। फिर आप अंदर जाएं तो अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं ये नॉर्मल और कैपिटल ही है, नॉर्मल वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये बस ये जेड तक सिखाएगा आपको, कर्सिव नहीं दिया है, बस नॉर्मल ही दिया है, ठीक है, कर्सिव नहीं दिया है। अब इसमें देखिए ये क्या है, ये ड्राइंग के लिए है, ड्राइंग प्रैक्टिस को, सेंक मैजिक नाम ही है, क्या सेंक मैजिक नाम है। ये देखिए ड्राइंग के लिए, देखिए ड्रॉ कर सकता है बच्चा इसमें, इसमें ड्रॉ करेगा बच्चा, उसको बहुत मज़ा आएगा ड्रॉ करने में। ये देखिए ये ड्रॉ कर सकता है, घर है और आप देखें इसमें, ये देखिए कितना अच्छा से काइट बनाने के लिए दिया गया है, ये वॉच है, मोबाइल है, बच्चा इसमें ड्रॉ करके सीख सकता है। ज़्यादा पेजेज नहीं दिया है, कमी दिया है, बट काफ़ी इम्प्रेसिव है ये बुक और अट्रैक्टिव है, बच्चा को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का ये क्षमता रखता है। एक बार बच्चा इस बुक को लिखेगा तो उसका वो सीख पाएगा काफ़ी चीज़ों को। तो ये है चार बुक, बस मेहनत का कॉस्ट लगा है, मुझे 499 पड़ा था, मैं इसको बुक कर दिया था, मुझे उसमें अच्छा दिखाई दिया था और एज एक्सपेक्टेड ये ठीक ही है, एक्सपेक्टेशन मेरा जो था वही है, बुक तो वही है, बस इसका थोड़ा सा साइज छोटा है, ठीक है। साइज हमको लगा था कि थोड़ा बड़ा मिलेगा, बट साइज बहुत छोटा मिला है, कोई बात नहीं। और ये बताया गया था कि ये रिफ़िल नहीं है, इसमें पेंसिल आएगा, लेकिन पेंसिल ने ये रिफ़िल डाल दिया है, तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगा, और पेंसिल और रिफ़िल नहीं देकर ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। बस ये वाइल्ड ट्री से मैं बुक किया था, आप देख सकते हैं वाइल्ड ट्री का, ये वाइल्ड ट्री इनवॉइस को डब्बा में ही डाल दिया है, 499, ठीक है फ्रेंड। तो ये है, अप्रैल 22 को ऑर्डर किया था और आज मुझे मई 1 को रिसीव हुआ है, तो यही है फ्रेंड। तो ठीक है, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, ये था किट आपको मैंने दिखाया। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।